दिल के करीब रखो उसको, दिल के करीब। तीन बार ऐसे कभी जहाँ दर्द है वहाँ से। कभी लगता था ना ये एक दो नोट ऐसे रख दूँ, कभी तो काम आएगा दिखाने के लिए। जैसा दिमाग पीछे छूट जा रहा है, मुंह ज्यादा निकल जा रहा है ना। और वेलकम जी, आप सबका स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मम्मी को एक शौक है, मतलब कुछ चीज ऐसे जमा करने का। जैसे बहुत सारे लोगों का शौक नहीं होता, कोई टिकट्स कलेक्ट करता है, कोई कुछ कलेक्ट करता है, कोई कुछ कलेक्ट करता है, तो मम्मी ने भी एक चीज कलेक्ट किया बहुत सालों से जमा करते हुए आ रही। तो आज सोचा मैंने चलो दिखा देते, सबको दिखा देते। अब ज्यादा वैल्यू इस चीज का नहीं है कि वो चीज क्या कलेक्ट कर रही है, ज्यादा वैल्यू इस चीज का है कि उसको टाइम कितना लगा कलेक्ट करने में। तो ये चीज पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी सब चीज जाए तेल लेने। ठीक है, कॉफी पीना है क्या? बना दो। और मेरा पेट नहीं भरा, कुछ और भी बना दो, नाश्ता करके पेट नहीं भरा। डाइटिंग भी वो बोलता है, फिर एक बना के दिया तो नहीं भरा। नहीं, फाइटिंग चालू भैया, कुछ बना दो, भूख लगा। और सेक देगा एक और ब्रेड जा, सैंडविच बना दो और एक। जल्दी नहीं चल सकता। क्या हो गया? पता नहीं है ये क्या हो गया, यहाँ ऊपर में पेट दर्द हो गया। पेट भी नहीं, नस चढ़ गया कि पता नहीं। थोड़ा देर पहले पेट का नस चढ़ा था, पेट का नस चढ़ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मम्मी क्या हो रहा है ऐसा? समझ नहीं आ रहा। बुढ़ापा हिट कर गया क्या? इतना जल्दी बुढ़ापा आ गया, ज्यादा हो रहा है क्या? डॉक्टर के पास चलना, देख लो, ज्यादा होने से बताओ। एक चीज मैं बताना भूल गया था, बहुत सारे लोगों को पता होगा जो एप्पल के प्रोडक्ट्स ओन करते हैं, जिनके पास एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन तब भी मैं सोचा कि जिनको अब तक सर्विस सेंटर का मुंह देखना नहीं पड़ा, मैं उनको बता दूं। अगर आपका मोबाइल कुछ भी होता है, ठीक है, और आप उसको एप्पल का सर्विस सेंटर ले जाते हो, ऐसे प्यार से थपके मार दे कि यही कर दिया, उससे मोबाइल सही हो गया, 1500 रुपए का चूना लग गया, सीधा आग बंद करो, 1500 रुपया गया। और अगर लैपटॉप है, सेम चीज लैपटॉप के साथ ही करता है, पुचकारता है उसको, ऐसे ऐसे कुछ भी करता है, 2500 रुपया गया, आग बंद करते ही कुछ ही कर रहा है उसको, बस फूकना पड़ जाए, गया तो गया। तो कभी भी एप्पल की कोई भी चीज लेते हो और उसको थोड़ा सा ध्यान से, ये एंड्रॉइड की तरह नहीं होता कि 500-600 में काम हो गया, जुगाड़ लगा के हो गया, कोई लोकल शॉप में हो गया, तो थोड़ा सा सोच समझ के दिल के करीब रखो उसको, दिल के करीब, एकदम छाती के अंदर दिल निकाल के उसको रखो, वो चलता है। क्या उसके पैर गिरते चलता है, कभी गिरते चलता है, लैपटॉप में गिर जाता है। हां, दिल जाए तेल लेने, लैपटॉप तेल लेने ना जाए, दिल का तेल ये सब चलता है, लैपटॉप के अंदर ना तेल चलेगा, ना पानी चलेगा, ना कुछ चलेगा। बस यहाँ पे शॉर्ट का माँ बहने को गया, मम्मी ने पूरा दूध ऊपर से नीचे तक मलाई हो गया ना, वो मलाई से फंस गया तो सब जगह गिर गया। कोई बात नहीं, अलग शॉट लिया जा रहा था, लेकिन मैडम क्या करें, मैडम ने जलवे दिखा दिया यहाँ पे, उसके बाद शॉट कैंसिल। मैडम ने नहीं, मलाई ने। चलो ये बन गया। तो कुछ दिन पहले मैंने बताया था ना कि हमारे इस एरिया में बाघ घूम रहा है, बहुत सारे लोगों ने बाघ देखा, हमारे घर के जो पीछे पहाड़ है वहाँ पे भी बाघ देखा। तो कल एक खराब इंसिडेंट घट गया हमारे घर के आसपास में, मतलब 50-100 मीटर की दूरी पे एक पड़ोसी है इस गांव में, ना गांव इलाका हुआ ये तो गांव है ना, तो वहाँ पे एक बुरा इंसिडेंट घट गया। घास काटी गई ना, कोई नहीं था, बोला घर में बच्चे थे, स्कूल गए, छोटा एक बच्चा था, लड़का था, वो स्कूल गया, लड़की भी स्कूल गई, शायद 10-11-12 में पढ़ती है, तो क्या करें, घर में तो कोई है नहीं कि इसको बता के जाए, सब अपने अपने घास काटने जाते ही, हमेशा ही जाना ही पड़ता है मजबूरी में, गाय जनवर पाल के रखा है, गाय है। तो स्कूल से आया लड़का तो खेलने लगे, उसको तो पता ही नहीं है मम्मी कहीं काम कर रही होगी, कहीं गई होगी सोचा होगा लड़का ने। तो लड़की आई तो ढूंढने लगे, मम्मी कहाँ है, पूछा बोला अड़ोस पड़ोस में, किसी ने बोला घास काटने गई, किसी ने बोला बाजार गई है, तो आई नहीं, देर हो गई। तो फिर कोई आई शायद दूध लेने के लिए आंटी, तो देखा उधर से पूछा तो अरे किसी को बता के गई शायद जाते समय कि अरे मेरे को तो घास काटने जाने, देर हो गई, थोड़ा सा ले आती हूँ, तो आई नहीं, तब ढूंढने गया, साथ वाले दिन तो देख लिया था, मतलब आते समय किसी ने घास उस काट के हो गया था, तब जा रही थी ना वो, देर हो गई, मजबूरी था बेचारा, क्या करे, जाना पड़ता है गाय बच्चियों के लिए। तो वो लोग आगे मेरे उनको भी बोला चलो नहीं चलना है क्या, बोला नहीं तुम लोग चलते रहो, मेरा थोड़ा सा नहीं, एक खुला और काटती हूँ आ जाती हूँ अभी करके, तो आई नहीं, किसी को पता ही नहीं चला कि आई नहीं आई, क्या है करके, रात में पता चला कितने 6-7 बज गए शायद, तब तक ढूंढने गए सब गांव वाले, ढूंढने गए पुलिस वाले गए तो फिर बाद में डेड बॉडी मिला, वो भी शेर ने थोड़ा खा लिया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाना भी है जरूरी है, घास जानवर पाल रखा है तो, लेकिन सब एक साथ में इकट्ठे होके जाओ, इकट्ठे होके आओ, अकेले में नहीं, कि कम भी हो गया तो चलो कोई नहीं, थोड़ा कम होता है तो किसी दिन नहीं होता है, काटने के लिए कम होता है तो उतना ही ले आओ ना, उतना से हो जाएगा, किसी दिन दूर दूर जाना पड़ता है, कोई कहीं छूट जाता है, ऐसा मत करो, भले हो सकता है तो मत ही जाओ, आजकल मना कर रखा है ना, मत ही जाओ, घर में जितने हैं उसी में से जो होता है उसी में से गुजारा करने को, उसको बस ये चीज हुआ था तो बता रहे थे कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया, क्या करेगा। और जैसे कि मम्मी का सुबह थोड़ा सा पेट खींच गया था ना नहा के आने के बाद, तो पेट दुख रहा था, तो आदमी क्या करता है पेट दुखने पे, आप जाता डॉक्टर के पास, मालिश करने वाले के पास, यार ठोके दो मेरे सिर पे, ठोक दो एकदम, इतना जोर से मार रहा है, बोलने देते नहीं, काट 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 पे क्या
क्या करेगा, वो तो उसका काम ही है बेचारा, दिहाड़ी है उसका, करेगा वो हाँ, कुछ उसको भी नहीं बोल सकता, हम भी नहीं रोक सकता, दोनों बोलते रहे किसका आवाज ज्यादा ऊपर ना। तो फिर आदमी क्या करता, डॉक्टर के पास जाता है, मालिश करने वाले के पास जाता है, इधर उधर जाता है। मम्मी ने क्या किया, मौसी को कॉल किया, मौसी ने क्या बोला, झाड़ू मारो पीठ पे, सेप्टिक पिन होता है ना, पिन मारो पीठ पे, उससे सही हो जाएगा। बताओ झाड़ू मार का मतलब, झाड़ू से झाड़ू बोला, तीन बार झाड़ू नीचे में, फिर पिन पिन से करो उसका, जहाँ दर्द है मेरा ये जगह में दर्द है, ये जगह जहाँ दर्द है मतलब वही जगह में पिन लगा दो तो हुक जाए, हुक बोलता है ना, हुक से पिन बोलता है उसको, तो उससे ठीक हो जाता है बोला ना। उस दिन मनीष का भी ऐसे हुआ था, कितना अंधविश्वास भरा हुआ आदमी यार, क्या बोले क्या बोले, बाबू अब उसमें कौन सा पैसा लग रहा है, कौन सा तेरा क्या चल रहा है, झाड़ू घर का, पिन घर का, तू घर का कर दे, नहीं मान रहे देखो ये करने के लिए, उतना करने के लिए नहीं मान रहे, नहीं होगा बोलते, करके तो देख कम से कम क्या पता हो जाए। चलो चलो ठीक है, झाड़ू लगता है करके देखता, चलो चलो कहा झाड़ू, अब यहाँ देखो, यहाँ चलते रहा तो वहाँ कुछ पत्थर का या क्या मार्बल का घिसा चल रहा है, वहाँ एक अलग आवाज आता है, तुम जगह से आवाज है, किसी कुना में जाओ तुम, सब जगह कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा जिसका आवाज बड़ा होगा उसका सुनाई देगा ना, अभी हम लोग आवाज बड़ा करने लगे उसके लिए, क्या झाड़ू का मम्मी का झाड़ू का, झगड़ा झाड़ू, अच्छा अब कैसे मारना होता है, दो हम मारेगा, तीन बार ऐसे करके जहाँ दर्द है वहाँ से ऐसे करके नीचे करना होता है, फिर ऐसे करके फिर नीचे तीन बार करना होता है, बस बढ़िया घुमाओ ये, अब पिन से ऐसे करो तीन बार, नीचे टच करना है, नीचे पिन पे पिन दो उसका, जहाँ दर्द है बात वहीं लगाना है, तो पिन ऐसे चुबा देगा क्या पूरा, ना ना झाड़ू खाली पिन लगा के, तो उसको बंद करके दो ना, एक छेद हो जाएगा, एक से तीन बार टच करना है नीचे पूरा जमीन में, जमीन। ये लो भाई अंधविश्वास का भी अलग ही लिमिट छू दिया घर पे आज, लो और एक बार ना, सही हो गया, यहाँ ऐसे खोल के लगाओ ना, खोल के वहीं लगा देना है पिन को कपड़ा में, हार्ड हार्ड छेद हो जाएगा, छेद हो जाएगा, चमड़ा में घुसाने से मत बोलना, अरे अरे घुस गया, कर दिया, हो गया हो गया, बढ़िया अब फीलिंग बेटर, अभी तो इतना जल्दी थोड़ी होगा, कल अपना खाना वाना खा के नाश्ता करने से पहले सीधा नंदकू बाबा के पास पहुंच जाओ, वो मालिश करके कम से कम सही तो हो जाता थोड़ा, झाड़ फूक करके कुछ नहीं होता है, नंदकू बाबा तो है, मतलब ऐसा करने से भी होने से क्या है, करके तो देखो बोलने वाला हिसाब, ये झाड़ फूक से कुछ हो जाने से तो क्या ही दुनिया आगे दौड़ जाना था, सबके घर में दो दो झाड़ू होना था, फिर दो दो क्या, तीन तीन झाड़ू तो है ही अपना पास भी नहीं है क्या, झाड़ू से क्या होता है, मतलब कभी कभी कुछ लगने से हो जाता है बोला ना, हवा हुआ। तो सुबह से मैं जो बोल रहा था कि मम्मी बचपन से नहीं थोड़े दिन थोड़े साल पहले, थोड़े भी नहीं यार बहुत साल पहले से जो जमा कर रही है, तो वो समय आ गया कि अब दिखाया जाए कि क्या जमा कर रही है मम्मी। तो मम्मी अभी अपना फुंतरू खोल रही है, अपना अटैची, अपना तिजोरी, अपना ड्रॉर, तो उसमें से अपना सामान निकल रहा है। तो मम्मी बहुत सालों से जमा कर रही है नोट, 90 समथिंग से ना, कितना पुराना नोट है एक चीज से पता लग जाएगा, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सबसे इस नोट के पीछे 10 रुपए का नोट के पीछे एक मोर है, देखो कितना पुराना नोट है आप खुद गैस कर लेना, 10 रुपए का नोट के पीछे मोर, इसके पीछे जहाज, ये 5 रुपए का नोट सबने देखा होगा, ये देखो भाई 2 रुपए का नोट कभी देखा, एकदम कड़क, इसका पीछे क्या है शेर, ये 1 रुपए का नोट, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे जहाज है तेल निकालने वाले से, और ये देखो 20 रुपए, इसके पीछे चक्रा है, इसके पीछे पहिया है, पहिया देख रहे हो, तो कितने पुराने कलेक्शन है मम्मी के नोट के, कितना साल लगा इसको जमा करने में पूरा, पता नहीं कभी लगता था ना ये एक दो नोट ऐसे रख दूं कभी तो काम आएगा दिखाने के लिए जैसा, तब रख देता था, मतलब होता तो बहुत कुछ पैसा तो पहले पुराने ही तो चलता था, पता नहीं कभी मन में आता था एक नोट रख दूं क्या, बाद में कभी तो दिखाने के लिए काम आएगा, पुराना नोट कभी याद आता है ना, ऐसे करके रखते 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 इतना हो गया था, तो और ज्यादा मैंने चला दिया, ये इतना बचा वाला है, जब नोटबंदी हो गया तब से इसको चलाया नहीं, मतलब पहले तो रखा ही था तो चला लिया, उस समय नोटबंदी हो गया उस समय 500 का 1000 का भी रखने का था, लेकिन वो रख के फायदा तो था नहीं चलना है नहीं, तो फिर उसको तो हटा दिया मैंने, उस समय से रख दिया, फिर चला ही नहीं, सोचिए कुछ जमा क्या दिखाने के लिए, तो होगा ना अभी तो ऐसा नोट देखने को थोड़ी ना मिलेगा, तभी तो रखा है, बाद में कभी याद आएगा देखने के लिए, बोलिए अभी का नया नोट तो ये सब नया नोट तो कौन अभी सबके हाथ में, ये सब थोड़ी ना है मोर वाला, ये सब चीज थोड़ी ना सबका, तो एक फ्रेम करा के रख सकते हैं इसको बाद में, अगर किस्मत से बाद में अपना यूट्यूब चैनल बहुत चला और अपना एक यूट्यूब का ऑफिस हुआ, तब ये सबको फ्रेम करके पीछे ऐसे लगा दूंगा मैं, मस्त दिखाने के लिए नहीं होता, वीडियो बनाते समय बैकग्राउंड में आता कुछ कुछ, उसके लिए हो जाएगा काम। 5 minutes later. तो कॉफी लेके अभी छत पे आया और मम्मी का क्या बोलना है अपने पीठ दर्द के बारे में, बोले दोबारा, अरे वो दर्द यहाँ था ना पहले, यहाँ पीठ थोड़ा ऊपर आ गया, यहाँ आया थोड़ा सा, ये नीचे भी जाके दर्द हो रहा है, झाड़ू लगा के पीठ में ऐसा हो गया, झाड़ू ऊपर नीचे कर दिया, थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो रहा है वो जगह भी नहीं है, तो मतलब हम थोड़ा अच्छा और झाड़ू मारने से क्लीन था पूरा, दो बार रुक रुक, एक बार पिन भी लगाया तो खोल के फिर किया था, अटक गया भाई, फंस गया, एक ही बार मार के एक बार पिन लगा के वो हटा देने से
जाना था होगा। एक्चुअली हुआ क्या कि कैमरा पे दिखाते समय तो मैंने एक बार कर दिया, लेकिन पिन जो था ना प्रॉपर स्पॉट पे नहीं लगा, तो मेरे को दोबारा कैमरा ऑफ करने के बाद दोबारा एक बार झाड़ू मारना पड़ गया। इस चक्कर में ऊपर नीचे हो गया, एक ही बार झाड़ता है ना कुछ भी चीज़ों, ऐसे तो 10 बार झाड़ते रहेगा जब तक नीचे नहीं उतर जाएगा एकदम। तो फिर ठीक है, आज का व्लॉग इतना ही। मजा ही आया होगा व्लॉग में, मजा नहीं आया तब भी देखना ही पड़ेगा ये दिखाने को। तो एंजॉय, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए टाटा। नहीं, और नेक्स्ट व्लॉग तक का क्या बोलना था, वेट करना बस, खत्म, इतना ही बोलना था। हाँ, इंतजार कर लेना बस नेक्स्ट व्लॉग का, ठीक है। देखो बोलते बोलते भी थक जाता आदमी यार, दिमाग पीछे छूट जा रहा है, मुंह ज्यादा निकल जा रहा है ना, इतना स्लिप हो रहा है, बताओ। इतना मेहनत चल रहा है यहाँ पे, दिमाग और मुंह का रेस चल गया यहाँ पे, कौन कितना दौड़ता है, तो सपोर्ट करो यार। चलो टाटा। अब ये शौक, अब क्या बोलना था, कितना पुराना नोट है, एक समय।